नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहनी आप लोग को मैं आज बताऊंगा एक छोटी सी कहानी। आपने देखी भी है और सुनी भी है, एक बार मैं आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। वो एक दिन बैठे थे और विचार बनाए कि चलो दोस्त, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो दोनों घर से निकल जाते हैं, अपने अपने घर से निकल जाते हैं। और गांव के काफ़ी दूर बाद एक आम का पेड़ होता है, वहाँ पे दोनों जाके लेट जाते हैं। और वहाँ पे लेटते हैं, थोड़ी देर बाद एक आम का फल नीचे गिरता है और दोनों आलसी सोए रहते हैं। वो बोलता है, दोस्त मुझे आम का ये आम मुझे खिला दे। वो बोलता है, दोस्त ये आम मुझे खिला दे। दोनों इतने बड़े आलसी होते हैं, इतने बड़े आलसी होते हैं कि आम उठाकर खा नहीं सकते। तो क्या करेंगे वो दुनिया में, काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जो अपने सामने पड़े हुए आम को नहीं खा सकते, वो और क्या करेंगे। एक दूसरे को बार बार कह रहे थे। तभी उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था और वो उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और बोले कि हे भाई, सुनो जरा हमारी मदद कर दो। तो वो बेचारा आया और बोला, भाई क्या तकलीफ़ है बोलो। तो वो दोनों जो आलसी थे वो बोले कि ये आम गिरा हुआ है, हमारे मुंह में खिला दो तो हम खा लेंगे। तो बोला कि इसी इतने से काम के लिए तुम लोग मुझे बुलाए और इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम लोग लेके खा नहीं सकते। जो इतने बड़े आलसी हैं, जो अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता, उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ, तुम इतने बड़े आलसी हो, तुम्हारा जीना हराम है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, इसे जिए ऐसा कि हर कोई जीना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहनी आप लोग को मैं आज बताऊंगा एक छोटी सी कहानी। आपने देखी भी है और सुनी भी है, एक बार मैं आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। वो एक दिन बैठे थे और विचार बनाए कि चलो दोस्त, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो दोनों घर से निकल जाते हैं, अपने अपने घर से निकल जाते हैं। और गांव के काफ़ी दूर बाद एक आम का पेड़ होता है, वहाँ पे दोनों जाके लेट जाते हैं। और वहाँ पे लेटते हैं, थोड़ी देर बाद एक आम का फल नीचे गिरता है और दोनों आलसी सोए रहते हैं। वो बोलता है, दोस्त मुझे आम का ये आम मुझे खिला दे। वो बोलता है, दोस्त ये आम मुझे खिला दे। दोनों इतने बड़े आलसी होते हैं, इतने बड़े आलसी होते हैं कि आम उठाकर खा नहीं सकते। तो क्या करेंगे वो दुनिया में, काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जो अपने सामने पड़े हुए आम को नहीं खा सकते, वो और क्या करेंगे। एक दूसरे को बार बार कह रहे थे। तभी उस रास्ते से एक व्यापारी गुजर रहा था और वो उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और बोले कि हे भाई, सुनो जरा हमारी मदद कर दो। तो वो बेचारा आया और बोला, भाई क्या तकलीफ़ है बोलो। तो वो दोनों जो आलसी थे वो बोले कि ये आम गिरा हुआ है, हमारे मुंह में खिला दो तो हम खा लेंगे। तो बोला कि इसी इतने से काम के लिए तुम लोग मुझे बुलाए और इतना सा काम नहीं कर सकते, तुम लोग लेके खा नहीं सकते। जो इतने बड़े आलसी हैं, जो अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता, उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ, तुम इतने बड़े आलसी हो, तुम्हारा जीना हराम है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, ये ज़िंदगी आपकी है, इसे जिए ऐसा कि हर कोई जीना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहनी आप लोग को मैं आज बताऊंगा एक छोटी सी कहानी। आपने देखी भी है और सुनी भी है, एक बार मैं आप लोग को फिर बताना चाहता हूँ। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। एक छोटे से गांव में दो आलसी रहते थे। वो एक दिन बैठे थे और विचार बनाए कि चलो दोस्त, चलो कहीं घूम के आते हैं। तो दोनों घर से निकल जाते हैं, अपने अपने घर से निकल जाते हैं। और गांव के काफ़ी दूर बाद एक आम का पेड़ होता है, वहाँ पे दोनों जाके लेट जाते हैं। और वहाँ पे लेटते हैं, थोड़ी देर बाद एक आम का फल नीचे गिरता है और दोनों आलसी सोए रहते हैं। वो बोलता है, दोस्त मुझे आम का ये आम मुझे खिला दे। वो बोलता है, दोस्त ये आम मुझे खिला दे। दोनों इतने बड़े आलसी होते हैं, इतने बड़े आलसी होते हैं कि आम उठाकर खा नहीं सकते। तो क्या करेंगे वो दुनिया में, काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जो अपने सामने पड़े हुए आम को नहीं खा सकते, वो और क्या करेंगे। एक दूसरे को बार बार कह रहे थे। तभी उस रास्ते से एक व्यापारी
व्यापारी गुजर रहा था और वो उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और बोले कि हे भाई सुनो जरा हमारी मदद कर दो। तो वो बेचारा आया और बोला भाई क्या तकलीफ़ है बोलो। तो वो दोनों जो आलसी थे वो बोले कि ये आम गिरा हुआ है हमारे मुंह में खिला दो तो हम खा लेंगे। तो बोला कि इसी इतने से काम के लिए तुम लोग मुझे बुलाए और इतना सा काम नहीं कर सकते तुम लोग, लेके खा नहीं सकते। जो इतने बड़े आलसी हैं जो अपना हाथ पैर नहीं हिला सकता उसकी तो भगवान भी मदद नहीं करता है, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँ। तुम इतने बड़े आलसी हो, तुम्हारा जीना हराम है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों ये ज़िंदगी आपकी है, इसे जिए ऐसा कि हर कोई जीना चाहे आपके जैसा।